हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाईफाई स्टडी सॉल्यूशन फास्ट एंड स्मार्टर लर्निंग। जैसा कि आपको पता है कि पिछले साल जो है बिहार बोर्ड ने अपना पैटर्न बदल चुका है। उसमें क्या है कि आपको 50% जो है ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा रहे हैं, है ना। तो हम 50% ऑब्जेक्टिव और 50% जो है सब्जेक्टिव प्रश्नों के जो है यहाँ पे ब्रीफली डिस्क्रिप्शन करेंगे, है ना। यह एक क्रैश कोर्स क्लासेस है जिसमें जो है हम लोग बहुत तेज़ी से और अच्छे ढंग से जो है कंसेप्चुअल क्लास यहाँ पे लेंगे और देखेंगे, है ना, जिससे क्या होगा आपका जो है टोटल ऑब्जेक्टिव जो है और सब्जेक्टिव जो है क्लियर होगा खुद ब खुद। वैसे लोग कहते हैं कि भाई ये साइंस जो है वो रटने की चीज़ होती है, लेकिन वो गलत बोलते हैं। साइंस जो बिल्कुल रटने की चीज़ नहीं होती, आसानी से अगर आप पढ़ो और अच्छे ढंग से पढ़ो तो बिल्कुल कंसेप्चुअल चीज़ है और अच्छे ढंग से आपको समझ में भी आएगी, है ना। तो इससे अच्छा है कि भाई हम रटने से बेहतर है कि भाई हम यहाँ पे क्या करें, इसको अच्छे ढंग से हम समझें, जिससे क्या होगा आपका ऑब्जेक्टिव जो है टोटली क्लियर होगा, ठीक है। तो हम ज़्यादा देर न करते हुए आगे बढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपसे एक बात कह दूँ कि भाई अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। इससे क्या होगा बाबू, आपको जितने भी मेरी लाइव क्लासेस चलेंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले, और उससे क्या होगा आपका क्लास मिस नहीं होगा। और यहाँ पे क्लास जो है बाबू लंबे समय तक चलने वाला है। लंबे समय मतलब बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा, आपके 10वीं बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा उससे पहले तक, है ना। इससे क्या होगा आपको टोटल जो है साइंस का जो है आपको कॉन्सेप्ट मैं दूंगा, जिससे क्या होगा आपका साइंस जो है सब्जेक्टिव भी हल होगा और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हल होंगे। तो आइए हम सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में बाबू कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। वैसे लोग कहते हैं रटा जाता है, बायोलॉजी जो है रटने की चीज़ होती है, लेकिन ये रटने की चीज़ नहीं होती है, बिल्कुल रटने की चीज़ नहीं होती है। इसको मैं अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ाऊंगा, आपको बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपका ऑब्जेक्टिव भी खुद ब खुद हल होगा। आप क्वेश्चन देखे नहीं, फटाक क्वेश्चन हल हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है और अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको बस देखने की जरूरत है। बस आप यहाँ पे कंसंट्रेशन के साथ देखिए, है ना। और लाइव क्लास में बाबू आप बिल्कुल कहीं ना जाएं, एकदम मोबाइल से चिपके रहें या फिर कंप्यूटर से या फिर लैपटॉप से जो भी है उससे चिपके रहें, एकदम देखिए आपका साइंस जो है 110% जो है आपका क्लियर होगा और ऑब्जेक्टिव जो है आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप किसी भी बुक से ऑब्जेक्टिव उठा के हल कर सकते हो, है ना, कहीं से भी आप ऑब्जेक्टिव लाके हल कर सकते हो या फिर सब्जेक्टिव भी बना सकते हो। आपका जो है कंसेप्ट इतना तगड़ा मैं दे दूंगा कि, है ना, कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए आपका जो भी ऑब्जेक्टिव होगा यहाँ पे इस क्लास में आपका क्लियर होने वाला है। तो आइए, तो सबसे पहले हम बाबू बायोलॉजी की चैप्टर की बात करें तो सबसे पहला चैप्टर जो होता है वो होता है जैवक्रम। पहला चैप्टर क्या है वो जैवक्रम, और इसमें हम चर्चा करेंगे सबसे पहले किसका जो है जैवक्रम ये होता क्या है। तो अब जैवक्रम जो है इसको हम डील करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में, क्योंकि ये इसी पर आधारित है। क्योंकि वह सजीव वस्तुओं में भी जैवक्रम होता है, ये सजीव वस्तुओं में ही जैवक्रम होता है, निर्जीव में नहीं होता है, ठीक है। तो आइए, तो अब कोई कहेगा भाई कि हाँ मशीनरी चीज़ होता है उसमें तो होता है, अरे भाई वो अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, है ना, वो निर्जीव की बात है, ये सजीव की बात है। हाँ जाहिर सी बात है, जहाँ मशीनरी का सर्विसिंग जो होता है या मैकेनिक आके बनाता है, अलग अलग पार्ट्स जो है उसका बदलता है, तो वो अलग चीज़ है, और यहाँ पर भी ये अलग चीज़ है। चलिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा भाई ये जैवक्रम होता क्या है। जिस किसी बच्चों को ये समझ में ना आए तो कृपया करके कमेंट और क्या बोलते हैं उसको व्हाट्सएप नंबर मैं दूंगा लास्ट में, उस पर आप पूछ सकते हो। तो आइए सबसे पहले मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ, क्या आपका सजीव वस्तु है ये क्या होती है। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम चलते हैं। तो सजीव वस्तुओं के बारे में बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे बाबू कि सजीव वस्तुएं होती क्या है, सजीव वस्तुएं होती क्या है, सजीव वस्तुएं होती क्या है, अरे यार ये होता क्या है। तो हम लोग बचपन से जो पढ़ते आ रहे बाबू कि सजीव वस्तुएं वो होती है जिसमें जान होता है, सजीव वस्तुएं वो होती है जिसमें जान होता है। लेकिन वो होता क्या है भाई, ये जान होता क्या है। तो हम लोग चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, हमारे अंदर जान है, हम सोते हैं, जगते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, है ना। तो ये सब कैसे कर पाते हैं हम, मशीन काम करता है उसमें पेट्रोल डाला जाता है, डीजल डाला जाता है, केरोसिन ऑयल डाला जाता है, ऑयल डाला जाता है, है ना, इन सारी चीज़ों को लेके बाबू वो अपना मशीन काम करता है। लेकिन हमारा शरीर कैसे काम करता है, है ना, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे अभी देखने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले सजीव वस्तुओं की बात करें। तो सजीव वस्तु बाबू अभी हम बताए थोड़ा देर पहले कि जिसमें जान होता है, जान होता है, तो सजीव वस्तु में जान होता है,
है ना, तो वो जान जो है काम कैसे करता है, तो वो पोषण, खाना खाते हैं हम लोग, खाते कि नहीं खाते, बिल्कुल खाते हैं। जब खाना खाते हैं वो, तो खाना जो खाते हैं उसमें क्या होता है, हमको ऊर्जा मिलता है, उससे क्या होता है, हमको ऊर्जा मिलता है। और ऊर्जा जो मिलता है वो वही तो हमारे शरीर को चलाता है, क्या होता है, वो हमारे शरीर को चलाता है और लंबे समय तक जीवित रखता है। ऊर्जा ही तो है एक फैक्टर जो हमको जीवित रखता है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले सजीव वस्तु में क्या क्या क्रियाएँ होती हैं, कौन कौन सी क्रियाएँ सजीव वस्तु में होती है जो निर्जीव वस्तुओं से क्या करती है, इसको भिन्न करती है। कौन कौन सी क्रियाएँ यहाँ पे बाबू क्या होती है ना, होती है सजीव वस्तुओं में, जो निर्जीव वस्तुओं से क्या करती है, उसको भिन्न करती है। तो आइए सबसे पहला काम जो होता है वो इसमें क्या होता है, सबसे पहला काम होता है इसमें पोषण, क्या होता है, पोषण होता है। सजीव वस्तुएं खाना खाती है, भोजन लेती है, क्यों, क्योंकि उसको काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए होता है। ऐसा कोई सजीव वस्तु बताओ जो निकम्मा होता है, पड़ा रहता है ऐसे, अरे वो कुछ ना कुछ काम करता है ना, वो बाहरी तरीके से काम ना करे लेकिन आंतरिक रूप से उसके अंदर कुछ ना कुछ क्रियाएं हो रही होती है ना, इसलिए उसको खाना ज़रूरी है, उसकी उसको ऊर्जा फुलफिल करने के लिए उसको खाना ज़रूरी है। तो सबसे पहला काम होता है वो पोषण, उसके बाद से बाबू श्वसन, उसके बाद से क्या होता है यहाँ पे, श्वसन, उसके बाद से होता है वहन, उसके बाद से होता है क्या, उत्सर्जन, क्या होता है, उत्सर्जन। पोषण होता है, श्वसन होता है, वहन होता है, उत्सर्जन होता है, यानी वे सभी वस्तुएं सजीव वस्तुएं कहलाती है जिसमें क्या हो, पोषण हो, श्वसन हो, वहन हो और क्या हो, उत्सर्जन भी हो, साथ में क्या हो, वृद्धि करे और साथ में क्या हो, जनन करे, साथ में क्या हो, गति करे, वे सारी वस्तुएं भी क्या कहलाती है, सजीव वस्तुएं का, ये सारी जो है ये सजीव वस्तुओं के लक्षण। देखिए हम कुछ खास यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे इत्यादि लिख सकते हो ETC, है ना, तो यहाँ पे इत्यादि लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले भाई कि जिसमें पोषण हो, जिसमें श्वसन हो, जिसमें वहन हो, उत्सर्जन हो या वृद्धि हो, गति करे, है ना, वो सभी वस्तुएं क्या कहलाती है, सजीव वस्तुएं कहलाती है। और निर्जीव की बात कर ले तो निर्जीव में क्या बाबू, तो जो निर्जीव है, जो वस्तुएं ये सारी काम नहीं कर पाए, यानी जिसके अंदर ये सारी क्रियाएं नहीं हो पाती है, उसको कहते हैं हम निर्जीव वस्तुएं। बोलो क्लियर कि नहीं, बिल्कुल क्लियर। तो जिस वस्तु में भाई कि ये सारी क्रियाएं जो है नहीं होती हो, उसे क्या कहेंगे हम, निर्जीव वस्तुएं। और ये बाबू जीवन की मूलभूत क्रियाएँ हैं, यानी जीवन जीने के लिए ये क्रियाएँ आवश्यक हैं, अगर इसमें से एक भी क्रिया अगर रुक जाए तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए जीवन की मूलभूत जो है ये क्या है, आवश्यकता है, ये जीवन की मूलभूत आवश्यकता भाई कि हम पोषण करेंगे, श्वसन करेंगे, वहन करेंगे, उत्सर्जन करेंगे, है ना, जनन भी करते हैं, लेकिन जनन भाई जीवन के लिए आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक है, क्या वो, क्या नरेंद्र मोदी ने शादी किया, नहीं किया, फिर भी जीवित है कि नहीं, अन्ना हजारे ने शादी किया फिर भी जीवित है कि नहीं, बोलिए। तो वैसे वैसे जो है बाबू, तो जनन जो है वो जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन क्या है, ये जो है चार प्रक्रियाएं जो बाबू, ये क्या है, ये जीवन जीने के लिए आवश्यक है। और हम टॉपिक भी पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस, जीवन की क्रियाएं, जीवन की वैसी प्रक्रियाएं जो हमको जीवित रखें, वो हम वहीं पढ़ रहे हैं, टॉपिक में मेरा वहीं है। तो आइए हम अब आगे बढ़ते हैं, फिर से वापस इस पर आएंगे लौट के, हम जब इस टॉपिक पर आएंगे, तो इसलिए सबसे पहले आइए अब बात करते हैं निर्जीव की। तो ये क्रिया तो सजीव में होती है, तो निर्जीव में क्या होंगी, तो ये सारी क्रियाएं इसमें नहीं होंगी, इसलिए क्या ये निर्जीव है, ये सारी क्रियाएं इसमें नहीं होंगी, इसलिए क्या वो निर्जीव है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बाबू हम निर्जीव वस्तुओं के लिए, वे सभी वस्तुएं निर्जीव वस्तुएं कहलाती है जिसमें जीवन की कोई भी आवश्यक कार्य संपन्न नहीं होता, यानी इसमें क्या होता है, जीवन के आवश्यक कार्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, जीवन के आवश्यक कार्य संपन्न, है ना, ये डबल ना है, नहीं होते हैं, बस वो क्या कहलाते हैं, निर्जीव। सजीव के उदाहरण में बाबू हम लोग हो जाएंगे, सजीव के उदाहरण में हम लोग हो जाएंगे, मनुष्य हो जाएगा वो, है ना, मनुष्य हो गया, उसके बाद क्या हो सकता है, पेड़ पौधे, है ना, पेड़ पौधे, जानवर, है ना, उसके बाद से सूक्ष्म जीव, ठीक है, इत्यादि, यानी ये सभी क्या है, ये सजीव है। इसमें क्या हो सकता है, चट्टान, बोलिए, लकड़ी, है ना, इत्यादि, ये क्या हो, ये
ये जो है नेट जीव है। अब हम इसमें थोड़ा सा विभेद कर लें, यानी अंतर थोड़ा सा देख लें हम, तो अंतर में सजीव में और निर्जीव में कुछ थोड़ा सा अंतर देखेंगे, उसके बाद से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए आइए यहाँ पे अंतर देखते हैं बाबू, किस में अंतर, तो इन दोनों में अंतर, अंतर की बात कर लेते हैं हम। किस में तो सजीव वस्तुओं में, है ना, तो सजीव में है, और किस में बाबू, निर्जीव में। ध्यान से देखते चलिएगा, सबसे पहला अंतर होता है वो क्या, ये पोषण करता है, क्या करता है वो, ये है ना, पोषण करता है, ठीक है, इसमें पोषण नहीं होता, हम काट देंगे, और जहाँ काटेंगे वहाँ पे नहीं होता, जहाँ टिक करेंगे वहाँ पे होता है, ये पोषण करता है, ये श्वसन करता है, ये श्वसन है ना नहीं करता, ये श्वसन करता है, ये श्वसन नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता श्वसन। उसके बाद से अगर बात करें बाबू हम, तो ये वृद्धि करता है, ये वृद्धि करता है, ये वृद्धि है ना नहीं करता, ये गति करता है, ये गति नहीं करता है, ठीक है। तो ये कुछ खास जो है बाबू, हाँ उसके बाद से एक और है बाबू यहाँ पे, ये स्थान परिवर्तन करता है, स्थान परिवर्तन, यह स्थान करता है, यह स्थान परिवर्तन है ना नहीं करता, ठीक है, यह स्थान परिवर्तन करता है, यह स्थान परिवर्तन नहीं करता। तो आप पूछोगे सर पेड़ तो चलता नहीं है, फिर वो स्थान परिवर्तन कैसे करेगा, है ना, आप यही ना पूछोगे भाई कि पेड़ तो चलता नहीं है फिर वो स्थान परिवर्तन कैसे करेगा। तो मैं आपको बता दूं बाबू कि पेड़ जो होता है, पेड़ की डाली आगे बढ़ती है, देखते हो सूर्य का प्रकाश उधर है तो उधर ही जाएगा, पेड़ का डाली जाता है ना, प्रकाश के अनुरूप जो है गति करता है ना, पेड़ का जो जड़ है, जड़ पानी के अनुरूप गति करता है, यानी जल की दिशा में जाता है वो, तो प्रकाश की दिशा में जाएगा तो प्रकाशानुवर्तन, जो जल की दिशा में जाएगा जलानुवर्तन, उसको हम आगे पढ़ेंगे है ना, उसको देखेंगे यहाँ पे, तो वो भी गति करता है। अब चलिए हम सजीव और निर्जीव में अंतर देख लिए, अब बात करते हैं एक विषाणु की बाबू, एक विषाणु जो है वो बहुत ही यूनिक चीज़ है ना, इसको देखिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं बाबू वायरस, क्या कहते हैं, नाम सुने हो वायरस का, ये इसको विषाणु कहते हैं। अब कह रहे हो कि ये, अब आपसे पूछें भाई ये बताइए ये सजीव होता है कि निर्जीव होता है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा है ना, कोई कहेगा सजीव होता है, कोई कहेगा निर्जीव होता है, नहीं 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 सजीव होता, नहीं 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 यार निर्जीव होता है, नहीं नहीं सजीव नहीं, क्या कन्फ्यूज़न। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, विषाणु बाबू हम कहेंगे दोनों होता है, सजीव भी होता है और क्या होता है ये निर्जीव होता है। जब ये सजीव कोशिकाओं को संक्रमित करता है, जब ये सजीव कोशिकाओं को संक्रमित करता है तो क्या होता है, उस समय सजीव होता है, यानी जब किसी सजीव के शरीर पर रहे, जब किसी सजीव के शरीर पर रहे तो क्या होता है वो सजीव होता है, लेकिन जब किसी निर्जीव के शरीर पर रहे तो क्या होता है वो निर्जीव होता है, या फिर कह सकते हो जब खुले वातावरण में रहे तो क्या होता है वो निर्जीव होता है, और जब किसी सजीव के ऊपर रहे तो क्या होता है वो सजीव होता है। क्लियर हुई बात, तो क्या होता है बाबू ये दोनों होता है, क्या होता है ये दोनों होता है, दोनों होता है ना, ये जो है बाबू ये दोनों होता है, विषाणु क्या होता है दोनों होता है, सजीव भी होता है और निर्जीव भी होता है, ठीक है। अब लौट के आते हैं हम किस पे, जैव परकरम पे, किस पे, जो हमारा मुख्य टॉपिक है बाबू जैव परकरम, हम उस पे लौट के आते हैं, कोई दिक्कत, जहाँ तक कोई दिक्कत सजीव और निर्जीव को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं, तो आइए अब हम लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे कह दिया है जीवन की प्रक्रियाएं, लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, जीवन की प्रक्रियाएं है ना, तो जीवन की प्रक्रियाओं के बारे में हम जब जिसमें पढ़ेंगे है ना, वो जय प्रक्रम। अब आइए इसको देखते हैं, अब यहाँ पे है ना छोटा सा यहाँ पे जगह बचा है, तो यहाँ पे आइए देख लेते हैं। अब यहाँ पे जय प्रक्रम की चर्चा करेंगे बाबू, ये जय प्रक्रम होता क्या है, तो सिंपल सा इसका हम परिभाषा देंगे है ना, आप इसको ध्यान से देखिएगा है ना, जय प्रक्रम का हम सिंपल सा परिभाषा देंगे, यानी वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं, जय प्रक्रम कहलाते हैं, यानी यहाँ पे अब सिंपल सा परिभाषा दिया हूँ, वे सभी प्रक्रम
या भी कह सकते हो वे सभी प्रक्रियाएं, वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवों में या फिर जीवों के, है ना, जो, या कह सकते हो वे सभी प्रक्रियाएं जो संयुक्त रूप से, यहां पर लिखिए जो संयुक्त, है ना, रूप से जीवों के, है ना, जो संयुक्त रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, अनुरक्षण का कार्य करते हैं, है ना, क्या कहलाते हैं वो, जैवोपक्रम कहलाते हैं। बोले तो सिंपल है। अब इसमें एक चीज है जो आपको परेशान कर रही होगी, वो क्या हो, ये अनुरक्षण जो एक चीज है वो क्या है, ये अनुरक्षण है। अब इस अनुरक्षण को हम क्लियर करेंगे, यहाँ पे आपका जैवोपक्रम क्लियर हो जाएगा। तो अनुरक्षण का मतलब बाबू होता है, इंग्लिश में क्या होता है, अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेनेंस। क्या होता है ये, मेंटेनेंस, है ना, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का काम देखभाल करना, है ना, हमारे शरीर में टूट फूट को रोकना, कुछ खास वृद्धि करना, है ना, यानी ऊर्जा ये प्रदान करना, चलने के लिए, बोलने के लिए, है ना, यानी कुल टोटल मिला के बात कि भाई जो हमारे शरीर में मेंटेनेंस का कार्य करता है, क्या करता है वो, हमको हमारे शरीर में मेंटेनेंस का कार्य करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुरक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं वो, अनुरक्षण, है ना, उसको कहते हैं अनुरक्षण। तो मेंटेनेंस होता है इंग्लिश में, हिंदी में समझ में नहीं आ रही होगी तो इंग्लिश में देख लेना भाई, ये क्या होता है, मेंटेनेंस, है ना, जो हमारे शरीर में मेंटेनेंस। तो वो मेंटेनेंस बाबू कैसे होगा, वो मेंटेनेंस कैसे होगा, तो उस मेंटेनेंस की बात करें तो वो मेंटेनेंस बाबू होता है किससे, हमारे पोषण से। किससे होगा, पोषण। दूसरा होगा वो किससे, श्वसन। तीसरा होगा वो किससे, वाहन। चौथा होगा वो किससे, उत्सर्जन। और इसी को तो सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। यानी ये सारी प्रक्रियाएं जो होती है हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। क्या होती है हमारे जीवन के लिए, बहुत ही आवश्यक होती है। कौन प्रक्रिया है ये, पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, ये सारी प्रक्रियाएं जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी बारी से हम बाबू यहाँ पे देखेंगे, तो सबसे पहला हेडिंग डालते हैं यहाँ पे क्या, पोषण की डालते हैं। क्या डालते हैं बाबू यहाँ पे, सबसे पहला हेडिंग जो है वो पोषण की है, है ना, तो हम पोषण को आगे देखते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं बाबू पोषण क्या होता है, हम बात करते हैं बाबू पोषण क्या होता है, यानी पोषण जो होता है भोजन ग्रहण करना। पोषण क्या होता है, भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। सिंपल सी भाषा में आप समझ गए, जो भोजन ग्रहण करते हैं ते पचे भोजन का अवशोषण करना एवं शरीर द्वारा उसको अनुरक्षण के कार्य में उपयोग करना, ये क्या कहलाता है आपका, पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, पोषण। या फिर कह सकते हो जब कोई जीव बाहरी स्रोतों से ऊर्जादायक पदार्थ यानी जो ऊर्जा देता है, ऊर्जादायक पदार्थ जो है ना भोजन के रूप में ग्रहण करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, पोषण कहते हैं। ये दूसरा ये क्या बोलते हैं परिभाषा हो गया, तो पहला परिभाषा जो है वो बेटर है, यानी भोजन ग्रहण करना और पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। सिंपल, क्या होता है वो, सिंपल, ये पोषण कहलाता है, ठीक है वो। तो यहाँ पे हम आपको बता दें, लिख दें क्या, बोलिए लिखे, चलिए छोड़िए नहीं लिखते हम, है ना, भोजन करना, या फिर लिख सकते हो भोजन ग्रहण करना, है ना, उसके बाद से पचे भोजन का उपयोग, पचे भोजन का उपयोग शरीर के अनुरक्षण के लिए करना, पचे भोजन का उपयोग शरीर के अनुरक्षण के लिए करना, क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। सिंपल। अब बाबू पोषण जो है यहाँ पे कितने प्रकार के हो सकते हैं, पोषण जो है बाबू वो दो प्रकार के हो सकते हैं।
सबसे पहला पोषण जो होता है वो स्वपोषी पोषण होता है। क्या होता है वो? सबसे पहला पोषण स्वपोषी पोषण होता है, ठीक है। और दूसरा होता है वो क्या होता है? दूसरा विषमपोषी पोषण। सबसे पहला पोषण होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा क्या होता है? विषमपोषी पोषण। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ा देर, कहाँ देखें इसको, हाँ चलिए यहाँ पे देखते हैं, आइए ज़्यादा देर ना करते हुए हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सिंपल से भाषा में समझिए और आसानी से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। वो यहाँ पे देखिए स्वपोषी पोषण, सबसे पहला पोषण जो है वो क्या है? स्वपोषी है ना पोषण, ठीक है। दूसरा पोषण क्या है? दूसरा पोषण जो है वो क्या है? विषम पोषी। क्या वो? विषम पोषी पोषण। सबसे पहला पोषण जो है स्वपोषी पोषण, दूसरा पोषण जो है विषम पोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है? ये पोषण के प्रकार है। वो क्या है? ये पोषण के है ना, ये पोषण है, ये पोषण के प्रकार है। कौन कौन? स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे स्वपोषी पोषण क्या होता है। तो स्वपोषी पोषण यानी पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे CO2, पानी, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्वपोषी पोषण। या फिर कह सकते हो क्या बोलते हैं, या फिर आप कह सकते हो भाई कि वैसा पोषण जिसमें जो है क्या बोलते हैं, कार्बनिक पदार्थों का उपयोग नहीं होता, यानी अजैव पदार्थ। अजैव जैसे कह सकते हैं ना, सॉरी फॉर इंटरप्शन, असुविधा के लिए खेद है, वेलकम कम बैक। तो स्वपोषी की बात यानी स्वपोषण का बात कर रहे थे बाबू हम, या फिर स्वपोषी की बात कर रहे थे। तो इसमें हम आपको बता दें कि स्वपोषण वह जैव प्रक्रम है जिसमें कोई जीव सरल अकार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों के रूप में अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। ये क्या होता है स्वपोषण बाबू? जब कोई जीव जो है सरल अकार्बनिक पदार्थों से है ना, जटिल कार्बनिक पदार्थों के रूप में जब अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं तो उसको क्या कहते हैं लोग? स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? स्वपोषी, यानी वो जीव स्वपोषी कहलाएगा। पोषण क्या कहलाएगा? स्वपोषण कहलाएगा, क्लियर। जैसे अब आप कहोगे भाई कि इसमें कौन सा जीव हो सकता है, वो कौन है जो अपने से जो है अपना भोजन संश्लेषित करता है, तो आपको याद होगा पौधा, आपको याद होगा वो क्या है? वो पौधा है। क्या बाबू? वो है पौधा, है ना। पौधा जो है वो क्या करता है? अपना भोजन जो है स्वयं संश्लेषित करता है। बात समझ आ रही है? पौधा जो होता है वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित, किसी से खाना मांगने जाता है क्या? कभी खाना उसको बनाते देखे हो? ये गेहूं लेके चावल लेके किचन में कभी जाते देखे हो क्या पौधे को? बिल्कुल नहीं देखे होगे। तो क्या होता है? पौधा जो होता है वो स्वपोषी पोषण करता है। क्या करता है वो? स्वपोषी पोषण करता है। और इसीलिए ये पौधा जो होता है क्या कहलाता है? स्वपोषी कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वपोषी कहलाता है। अब इसमें यूज क्या क्या होता है वो आपको मैं बता दूं कि इसमें यूज क्या क्या होता है ना। तो इसमें यूज क्या क्या होता है उसको थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे पहले वो क्या होता है? CO2 जो आपको पता है, CO2 होता है, वाटर होता है यानी जल की बात कर लेते हैं, जल होता है। उसके बाद सनलाइट होता है ना, सनलाइट बोले तो क्या? सूर्य का प्रकाश। उसके बाद से जो पौधे में उपस्थित होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं उसको? क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? हरित लवक कहते हैं, या फिर कह सकते तो क्लोरोफिल है ना। तो क्लोरोफिल, ठीक है, ये क्लोरोफिल जो होता है वो यानी इन सारी चीज़ों की उपस्थिति में जो है पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है। अब कह दो कुछ भी ना दो पौधे को, अब कह दो खाना बनाओ तुम, तो ये संभव है क्या खाना बनाना? नहीं। तो उसको तो कुछ ना कुछ तो चाहिए, उसकी जो है आवश्यकताओं को फुलफिल करने के लिए कुछ तो कुछ चाहिए। तो वो क्या होता है वो? CO2, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, यानी ये इन सारी चीज़ों से मिलकर जो है पौधा अपना भोजन जो है स्वयं संश्लेषित करता है। तो इसलिए क्या कहला दिया वो? इसलिए क्या कहलाया वो? वह स्वपोषी कहलाया। क्या कहलाया वो? स्वपोषी। पौधा जो है स्वपोषी कहलाया। और किस प्रकार का पोषण कर रहा है? तो स्वपोषण कर रहा है। कौन पोषण कर रहा है? स्वपोषण कर रहा है। अब बात करता हूँ विषमपोषी की। क्या करते हैं अब परपोषण कहो या फिर विषमपोषण, है ना, स्वपोषण कहो सॉरी विषम पोषण कहो या परपोषण कहो, दोनों सेम बात है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें क्या हो कि यानी पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता,
बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। यानी कहने का मतलब पोषण जो है वह तरीका है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता लेकिन अपने भोजन के लिए वो दूसरे पर निर्भर रहता है। जैसे हम लोग की बात करते हैं, जैसे हम अपनी बात करें तो हम लोग क्या करते हैं भाई, हम लोग को देखते हो कभी शरीर के अंदर भोजन बनता है क्या? नहीं बनता। हमारे शरीर जो है बाहर से भोजन लेता है, वो कहाँ से लेता है? तो गेहूँ लेता है, चावल लेता है, विभिन्न प्रकार के जो है साग सब्जियाँ लेता है, वो बाहर बाहरी स्रोत से ही तो लेता है और उसके बाद जो है वो किचन में पकता है, तब हम लोग जाके खाना खाते हैं। लेकिन कभी पौधे को बाहर किचन में जाते देखा है? कभी पौधे को बाहर खाना बनाते देखा है? नहीं। तो इसलिए उसको हम क्या कर रहे हैं? स्वपोषी कर रहे हैं। वो स्वपोषी है, वो स्वपोषी इसलिए है क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर रहा है। लेकिन विषमपोषी क्या अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं क्या? तब कहोगे सर किचन तो खाना बनाते हैं। गधा, वो खाना क्यों बनाते हैं हम? वो खाना इसलिए बनाते हैं तो फिर भी तो हम सोर्स बाहर से ले रहे हैं ना। वो क्या है? अनाज हम दूसरे का खाना खा रहे हैं, सीड्स ले रहे हैं दूसरे का, मतलब ये साग सब्जी हम दूसरे का ले रहे हैं, है ना। यानी दूसरे पौधे का जो है हम भोजन इकट्ठा किया हुआ भोजन हम लेके खा रहे हैं, है ना। तो इसीलिए क्या कहलाएं हम विषमपोषी कहलाएं। तो इसमें एक बार फिर से परिभाषा सुन लीजिए या फिर दूसरा परिभाषा सुन लीजिए। पोषण का ये पर पोषण जो है, या फिर कह सकते हो विषम पोषण जो है, ऐसा प्रक्रम है जिसमें कोई भी जीव जो है अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके किसी अन्य स्रोतों पर से प्राप्त करे, किसी अन्य स्रोतों से प्राप्त करे, उसको क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं उसको? विषमपोषी कहते हैं। बोलो क्लियर हुआ क्या? उसको हम क्या कहते हैं बाबू? विषमपोषी कहते हैं। तो इसमें क्या चाहिए? ये अन्य स्रोत, यहाँ पे हम लिख देते हैं, वो क्या लिख देते हैं हम? अन्य स्रोतों से, है ना, अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है। इसका उदाहरण क्या होगा बताइए? इसका उदाहरण बोलिए, बोलिए फटाफट बोलिए। मनुष्य, क्या होगा इसका उदाहरण? मनुष्य व अन्य जीव, एक्सेप्ट कौन? प्लांट, यानी पौधे को छोड़कर, मनुष्य व अन्य जीव पौधे को छोड़कर। यहाँ पे पौधा जो है वो क्या है? ये पौधा जो है, पौधा भी जीव है। तो ये मत समझना भाई कि पौधा जीव है तो यहाँ पे सर अन्य जीव लिख दिया, इसका मतलब क्या, ये भी विषमपोषी हो सकता नहीं। एक्सेप्ट इसलिए बोले, यानी उसको छोड़ के जो है सभी जीव जो क्या है वो दूसरे पर निर्भर करते हैं किसी न किसी रूप में, ठीक है बाबू। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको बारी बारी से हम लोग लेके चलते हैं। तो चलिए स्वपोषी की बात करते हैं। तो स्वपोषी में वो क्या आता है, आइए देखते हैं। तो कह रहे स्वपोषी हरे पौधे में तथा कुछ जीवाणुओं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं उसमें होता है। स्वपोषी पोषण किस में होता है वो अभी हमने बताया कि कहाँ होता है, बताइए स्वपोषी पोषण कहाँ होता है, बोलिए बोलिए। हाँ, स्वपोषी पोषण वो कहाँ होता है, यानी वो पौधे में होता है। कहाँ होता है? हरे पौधे में होता है। आपको अभी बताए हम कि स्वपोषी पोषण जो होता है वो कहाँ होता है, वो हरे पौधे में होता है। अब हरे पौधे में कैसे होता है इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो फ्रेंड्स हम स्वपोषी पोषण की बात कर रहे थे, है ना, तो आइए हम स्वपोषी पोषण देखते हैं। स्वपोषी पोषण में होता क्या है और ये कैसे होता है और कौन कौन ये करते हैं? तो स्वपोषी पोषण सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं। तो चलिए हेडिंग लिखिए, तो बाबू स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण क्या बाबू? ये स्वपोषी पोषण। अब आपको हम यहाँ पे बता दें कि ये स्वपोषी पोषण कौन करता है। तो कह रहा है स्वपोषी पोषण हरे पौधे में तथा कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, स्वपोषी पोषण में पौधे भी करते हैं और कुछ जीवाणु भी कर सकते हैं, है ना। वो जीवाणु जो है उसके बारे में आपको हायर क्लासेस में पढ़ने हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए स्वपोषी पोषण कौन कौन करता है, वो पौधे करते हैं, ठीक है, और कुछ है ना जीवाणु भी करते हैं। स्वपोषी पोषण कुछ जीवाणु भी करते हैं और क्या करते हैं, कुछ क्या बोलते हैं, पौधे भी करते हैं। अब ये पोषण होता कैसे, किस प्रोसेस से ये पोषण होता है? तो ये प्रोसेस जो है वो उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण। यानी पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं, अपना पोषण करते हैं और उसी को तो हम लोग कहते हैं क्या, स्वपोषण। उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्वपोषण कहते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, अब एक नया टॉपिक आया प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं, है ना, यहाँ पे हेडिंग डालिए प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, है ना, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण के बारे में पहले सुन लीजिए, उसके बारे में फिर से बात, विषमपोषी जब हम पढ़ेंगे तो विषमपोषी के बारे में हम लोग कुछ खास पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले
प्रकाश संश्लेषण क्या होता है इसका परिभाषा सुनिए। सबसे पहले परिभाषा इसका है कि हरि पादप कोशिकाओं में संपन्न होने वाली प्रकाश संश्लेषण एक वह प्रक्रिया है, या फिर कह सकते हैं एक वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ग्लूकोज या मन का निर्माण होता है। ये पहला परिभाषा हो गया आपका। क्या कह रहे बाबू कि हरि पादप कोशिकाओं में संपन्न होने वाली यह एक वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या ग्लूकोज या मंड का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहा है। क्या यहाँ पे दो पॉइंट्स आए बाबू, ग्लूकोज या मंड, है ना, ग्लूकोज या मंड यानी स्टार्च का ही सिंपलेस्ट रूप ग्लूकोज होता है ना, तो ग्लूकोज है ना या मंड है ना, इसका निर्माण किसमें होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। एक परिभाषा देखिए, यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देता है ना। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किए जाते हैं। स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए दो परिभाषा, यहाँ पे देखो दोनों परिभाषा सेम है बाबू। यहाँ पे दोनों में क्या बन रहा है, ग्लूकोज या मंड या फिर स्टार्च कर सकते हो या फिर कार्बोहाइड्रेट्स कर सकते हो, दोनों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्लियर हुआ, यानी हरी पादप कोशिकाओं में संपन्न होने वाली, या फिर कह सकते हो हरी पादप कोशिकाओं में संपन्न होने वाली यह एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ग्लूकोज या मंड का निर्माण होता है। तो अब यहाँ पे आप देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आप यहाँ पे उसका रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, वो 6CO2 प्लस क्या 6CO2 प्लस 12H2O है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, क्लोरोफिल है ना, यहाँ पे हम क्लोरोफिल ठीक है वो यहाँ पे लिखिए क्लोरोफिल और ये सूर्य के प्रकाश, यानी ये इसका संश्लेषण जो होता है सूर्य के है ना, यहाँ पे सूर्य प्रकाश लिख सकते हो। तो बना क्या हो, तो बना वो C6H12O6 ठीक है, ग्लूकोज। अब इसके साथ निकला क्या हो, इसके साथ क्या निकला 6O2, क्या निकला इसके साथ 6O2 प्लस कितना H2O कितना निकला 6H2O। ये क्या होता है, ये रासायनिक समीकरण होता है किसका, प्रकाश संश्लेषण का। इसमें क्या हो, यानी 6CO2 प्लस 12H2O ये क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, ग्लूकोज का, या फिर कार्बोहाइड्रेट कह सकते हो या फिर मंड कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ, 6CO2 प्लस 12H2O क्लोरोफिल की उपस्थिति में है ना, क्लोरोफिल की तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये किसमें तब्दील हुआ, ग्लूकोज और 6O2 प्लस यहाँ से ये रिलीज हो गया। तो यहाँ पे क्या बना आपका, स्टार्च या फिर कह सकते हो ग्लूकोज बना। क्या बना बाबू, यहाँ पे ग्लूकोज बना। तो ये होता है क्या, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। अब आपसे बात करें बाबू यानी कच्ची सामग्री क्या क्या हो सकती है इसमें। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात, वो कच्ची सामग्री होगी क्या, तो कच्ची सामग्री के रूप में बाबू हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला कच्ची सामग्री है ना, तो यहाँ पे लिखिए कच्ची है ना सामग्री किसके लिए बाबू, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है, वो सूर्य का प्रकाश, क्या होता है सबसे पहला सूर्य का प्रकाश। दूसरा क्या होता है वो बताना जरा, क्लोरोफिल, क्या होता है दूसरा, क्लोरोफिल। तीसरा क्या होता है वो बताना जरा, CO2, क्या होता है तीसरा, CO2 ठीक है। स्थलीय जो जीव होते हैं, जो स्थलीय जीव यानी पौधे होते हैं वो वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं वो, और स्थलीय जो होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते हैं, वो इन्वायरमेंट से प्राप्त करते हैं। और तीसरा जो है वो क्या है, वो जल है। तीसरा क्या है, जल है। यानी ये जो है कच्ची सामग्री जो होती है वो किस लिए आवश्यक है, आवश्यक है किसके लिए वो बताना जरा, आवश्यक प्रकाश संश्लेषण के लिए। किसके लिए आवश्यक है ये, किसके लिए आवश्यक है वो, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री है। तो बात क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है आपको, ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, ध्यान रखिएगा एकदम हूबहू आप देखते चलिए, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ देखते रहिए, कंसंट्रेशन के साथ देखते रहिए, आपका टोटल ऑब्जेक्टिव जो है कहीं नहीं देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। बिल्कुल आप ऑब्जेक्टिव देखोगे और हल होगा, बिल्कुल कंसेप्ट लेके हम चल रहे हैं, ठीक है।
अब चलिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी क्रियाएं घटना ये कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, है ना, उसको हम लोग देखते चलते हैं। तो चलिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है, कौन कौन सी घटनाएं होती है बाबू यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित घटनाएं हो सकती है वो घटनाएं क्या क्या है यहाँ पे देखिए। सबसे पहला घटना, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। घटना जो होगी इसके दौरान कौन कौन सी घटना होगी, है ना, घटनाएं। सबसे पहला घटना जो है क्लोरोफिल द्वारा क्या होती है वो, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। क्या होता है वो, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का है ना अवशोषण, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। ठीक है, दूसरा घटना क्या होता है वो, यानी जो क्लोरोफिल जो होता है वो क्या करता है, प्रकाश को ट्रैप करता है। क्लोरोफिल का काम क्या होता है वो, प्रकाश को ट्रैप करना, यानी क्या, उसको पकड़ना, उसको कैच करना, उसको अवशोषित करना। क्या करता है क्लोरोफिल का काम यही होता है, क्या करता है वो, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। उसके बाद से क्या है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। ठीक है, उसके बाद से दूसरी घटना है वो, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक परिवर्तन। दूसरा क्या हो, किसका प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद से रासायनिक परिवर्तन हो गया, प्रकाश ऊर्जा जो है क्या है वो, प्रकाश ऊर्जा है और उसका जो है रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, वो उसके बाद से जल अणुओं का क्या होता है बोलिए, जल अणुओं का हाइड्रोजन यानी कह सकते हो H2, है ना, हाइड्रोजन तथा किसमें, O2 में अपघटन। ठीक है, वो यानी यहाँ पे जल अणुओं का H2 तथा O2 में अपघटन होता है किसके दौरान प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान। किसके दौरान होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या होते हैं, यहाँ पे जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होता है। उसके बाद से लास्ट जो होता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, यानी CO2 का, है ना, किसमें, कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। ये जो होते बाबू निम्नलिखित घटनाएं होती है, सबसे पहला घटना क्या है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण यानी ट्रैप करना। क्लोरोफिल जो होता है क्या करता है, वो प्रकाश ऊर्जा को ट्रैप करता है। उसके बाद दूसरा जो है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक परिवर्तन जो होता है, प्रकाश ऊर्जा जो है वो क्या होता है, रसायन में परिवर्तित होता है। उसके बाद से बाबू आपका होता है जल अणुओं का H2 तथा O2 में अपघटन होता है। उसके बाद से CO2 का कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है बोलिए, अपचयन होता है। ये चार पॉइंट्स जो है वो ये होता है, ये घटनाएं होती हैं किसके दौरान, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं के दौरान। अब ये जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती कहाँ है, सबसे पहले हम बात कर ले भाई, बात तो कर रहे हैं भाई, पौधे में होता है तो पौधे के किस भाग में होती है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं जो होती है वो पौधे के किस भाग में होती है बोलिए, प्रकाश संश्लेषण, है ना, की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण सीधे लिखिए कहाँ होता है, या फिर लिख सकते हो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में, है ना, होता है। ठीक है, वो ये प्रश्न हो गया, तो आपका उत्तर कहाँ होगा, पत्तियों में। क्या होगा वो, इसका उत्तर पत्तियों में, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है वो कहाँ होती है, पत्तियों में होती है। कहाँ होती है वो बताइए, पत्तियों में होती है। अब चलिए यहाँ पे पत्तियों की बात कर लेते हैं, तो पत्तियों देखे भाई, पत्तियाँ देखे हो गया, ये हो गया अपना पत्ती, है ना, देखो क्या कभी पत्ती, ये अपना पत्ती हो गया, सिंपल सा दिखता है, लेकिन भोजन बनाने के लिए यही आवश्यक चीज़ है, आवश्यक घटक होता है किसका, आपके पत्तियों का। तो इसके बारे में बाबू जो हम कल पढ़ेंगे, है ना,
तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में देखेंगे, कल बोले तो नेक्स्ट क्लास में, है ना। ये पहला क्लास जो था आपका अबू, बहुत क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अगर आपको समझ में आया होगा, अच्छे तरीके से समझ में आया हो, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एक बात और फिर से हम कह दे रहे हैं कि भाई कि चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो, ठीक है अबू। और यहाँ पर बहुत अधिक जो है हम आपको यहाँ पर मैटर देने वाले हैं जो आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, है ना। और ये बात बता दें बाबू कि हम ये 110% ये गारंटी के साथ हम कह रहे हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव जो है देखना नहीं पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पे क्लियर होगा। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना, और लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपका जो भी प्रश्न में डाउट है वो कमेंट में, नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है उसमें आप कमेंट कर दें। थैंक यू।